खाद्य प्रबंधन, हम क्या उत्पन्न करते हैं तथा हम क्या उपभोग करते हैं, ये उन महानतम चुनौतियों में से एक है जिसका मानव जाति ने सामना किया है। 65,000 व्यक्ति, 2,00,000 की श्रमिक शक्ति, 8,000 खरीद केंद्र, 10,00,000 टन गेहूं तथा चावल खरीदना, लेवी चीनी संबंधी कठिन कार्यों की संभाल, 1.30 मिलियन टन विशाल बफर स्टॉक के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, 2,000 भंडारण डिपो, प्रतिदिन खाद्यान्न के 500,000 बोरों की ढुलाई, एक ऐसी प्रक्रिया के उपयोग का साहस जो पूर्ण रूप से हस्तचलित है विषम भौगोलिक क्षेत्रों में। तारक आलेख में किए गए संशोधनों को दर्शाता है। परस्पर बहुत अधिक भिन्न परंपराओं से उपभोक्ताओं के लिए उनकी अपनी रुचि अनुसार, ये खाद्य प्रबंधन है भारतीय खाद्य निगम की ओर से। अधिकतम खाद्य क्षमता, निरंतर गतिमान प्रक्रिया, एक रणनीति जो प्रतिदिन विकसित, परिभाषित, संशोधित की जा रही है। तथ्य, गरीबी, जनसंख्या, अप्रत्याशित मौसम, ह्रासमान पर्यावरण, छोटे खेत जोत, परंपरागत कृषि पद्धति का चलन, साक्षरता का निम्न स्तर, शोषण और रूढ़िवादी भोजन संबंधी अभिरुचियां आदि तथ्यों ने भारत को खाद्य प्रबंधन के संबंध में विश्व का एक बहुत ही विषम क्षेत्र बना दिया है। एक संगठन ने इन बाधाओं को तोड़ते हुए उत्पादक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला को पुनर्गठित किया है और भारत को उसकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक खाद्य प्रबंधन की उपलब्धि दी है। किसानों को प्रभावी समर्थन मूल्य प्रदान करने की राष्ट्रीय खाद्य नीति के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1965 में भारतीय खाद्य निगम की ओर से आदर्श खाद्य क्षमता आरंभ हुई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य को सुगम बनाने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना, भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित भंडार बनाना, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने जो रणनीति अपनाई वो दुनिया की सर्वाधिक सफल और जटिल खाद्य प्रबंधन रणनीति थी। देश को आदर्श खाद्य क्षमता प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने 6 प्रमुख कार्य क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भंडारण, वितरण, परिवहन, गुण नियंत्रण और खुले बाजार में हस्तक्षेप, इन 6 कार्य क्षेत्रों से संबंधित हमारे सभी कार्य कुछ मूल सिद्धांतों द्वारा संचालित किए जाते हैं। कृषक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावी समर्थन मूल्य संबंधी कार्य आज उत्पादकों के लिए और अधिक पैदावार करने हेतु प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रीय वितरण के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। तथ्य, भारतीय खाद्य निगम की आदर्श खाद्य क्षमता के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10,00,000 टन गेहूं और चावल की खरीद, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कीमतें समर्थन मूल्य से नीचे न आने पाए। तथ्य, गेहूं की अधिप्राप्ति काफी तेज है, केवल 45 दिनों में पूरी की जाती है। कुछ बाजारों में दैनिक अधिप्राप्ति 1,00,000 बोरी प्रतिदिन तक है। धान और चावल की अधिप्राप्ति वर्ष भर की जाती है। जिम्मेदारियों में शामिल है गुण नियंत्रण, खरीद, बोरियों का भरना, तुलाई, जहां तक संभव हो सबसे कम समय में भुगतान करना और परिवहन आदि। उत्पाद केवल 36 घंटों में तोला जाता है
और भुगतान किया जाता है। ये भारतीय खाद्य निगम की आदर्श खाद्य क्षमता है, प्रभावशाली, सफल, सुदृढ़, दुस्साध्य गंतव्यों, उत्पादकों से उपभोक्ता के समीप। उत्पादन क्षमता राष्ट्रीय मांग के अनुकूल हरित क्रांति को वास्तविकता में बदलने में सहायक। अधिप्राप्ति अति विशाल तथापि मात्र पहला कदम है। वैज्ञानिक भंडारण तथा खाद्यान्न को इकट्ठा कर स्टॉक करना एक और विशाल कार्य है। जवाब में भारतीय खाद्य निगम के पास 2000 से अधिक भंडारण डिपो का नेटवर्क है। सदैव ही कार्य संचालन राष्ट्रीय स्तर का है। भारतीय खाद्य निगम के भंडारण केंद्र केंद्रीय, राज्य तथा प्राइवेट एजेंसियों के साथ संरचना उपलब्ध तथा परंपरागत साइलो तथा गोदामों के अलावा भारतीय खाद्य निगम की आदर्श खाद्य क्षमता समय में अपनी रचनात्मकता सिद्ध करती है। महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित कैप भंडारण। वर्ष 1965 में भारत 1 मिलियन टन खाद्यान्न का भंडारण करता था। आज मिलियनों टन अन्न भंडार है जो भारत को अमूल्य खाद्य सुरक्षा प्रदान किए हुए है। आदर्श खाद्य क्षमता की भारतीय खाद्य निगम की नीति में गुणवत्ता नियंत्रण एक निरंतर नाजुक घटक है। आलेख में परिवर्तन। तथ्य: भारतीय खाद्य निगम सरकार के मानक फेयर एवरेज क्वालिटी का ही अनाज खरीदता है। तथ्य: योग्य व्यक्तियों द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन, 200 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं, 2000 भंडारण केंद्र, पाक्षिक निरीक्षण, विशेष रोग निरोधी तथा रोगनाशक उपचार, कीड़ों पक्षियों तथा अन्य जीव जंतुओं से होने वाले नुकसान से बचाव तथा अनाज को पौष्टिक तथा प्रोटीन युक्त बनाए रखना। यदि किसी स्तर पर अनाज को मानव उपभोग के अनुपयुक्त समझा जाता है तो उसे तुरंत अलग कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हटा दिया जाता है। एक जटिल तथा विशाल नेटवर्क का उपयोग करते हुए अनाज के परिवहन का प्रबंधन रेल से, सड़कों, नदियों तथा हवाई मार्ग से, सभी संसाधनों का उपयोग, यही एक और कारण है जिससे भारतीय खाद्य निगम की आदर्श खाद्य क्षमता एक वास्तविकता का रूप ले रही है। मंडी से डिपो तक, डिपो से सार्वजनिक वितरण केंद्रों तक, आधिक्य वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों तक, उत्तर से सुदूर तथा दूर दराज के क्षेत्रों तक औसतन 50,000 से अधिक बोरों की प्रतिदिन ढुलाई की जाती है। तथा औसतन खाद्यान्न का एक बोरा 1500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भारतीय खाद्य निगम की आदर्श खाद्य क्षमता का अंतिम चरण पूरे भारत में राज्य सरकारों को अनाज का वितरण है। प्रतिदिन एक समान कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु दूसरी महत्वपूर्ण सरकारी पहल मूल्यों को स्थिर रखने हेतु खुली बिक्री तथा निर्यात। यद्यपि प्रक्रिया पूर्ण रूप से हस्तचालित है, अधिप्राप्ति से वितरण तक होने वाली अनाज की खपत के नियंत्रण की दृढ़ व्यवस्था है। घटत के प्रति भारतीय खाद्य निगम का दृष्टिकोण सकारात्मक रहा है। आदर्श खाद्य क्षमता की नीति बनाना, ट्रकों के लिए तौल पुल, रेलवे के लिए विद्युत चालित तौल पुल, परिवहन मुख्यतः बंद वैगनों में, चौबीस घंटे सुरक्षा, वॉच एंड वार्ड कर्मचारियों के माध्यम से, बोरों की मशीन से सिलाई, आसानी से संभाली जाने वाली 50 किलोग्राम की पैकिंग, तत्पर गुण नियंत्रण। विश्व भर के विशेषज्ञों ने इसे उत्कृष्ट खाद्य प्रबंधन की संज्ञा दी है। भारतीय खाद्य निगम की खाद्य वितरण नीति बहुपक्षीय तथा सतर्क है।
गुणवत्ता नियंत्रण मॉनिटरिंग जैसे ब्यौरे सम्मिलित करते हुए तथा सीलबंद अनाज के नमूने जैसे कार्यों से उपभोक्ता मुखी दृष्टिकोण, भारतीय खाद्य निगम के निष्पादन सूचक आश्चर्यचकित करने वाले हैं। खरीद, बिक्री, तथा व्यवसाय। बिलियन रुपए की ऊंचाई तक पहुंचा भारतीय खाद्य निगम की आदर्श खाद्य क्षमता में आलोचनात्मक पहलू सरकार की सब्सिडी है। भारतीय खाद्य निगम खरीद मूल्य की अपेक्षा बहुत कम कीमत पर अनाज की बिक्री करता है। खरीद में बढ़ोतरी, बिक्री में बढ़ोतरी, व्यवसाय में बढ़ोतरी। प्रति क्विंटल आंकड़ों पर दृष्टि डालिए। आंकड़े प्रति क्विंटल में। अधिप्राप्ति लागत गेहूं, अनाज की कुल लागत, मंडी शुल्क तथा कर, बोरी लागत, भूमिक लागत, वहन लागत, अधिग्रहण लागत, वितरण लागत, भाड़ा, ब्याज, भंडारण प्रभार, प्रशासनिक खर्च, संभाल प्रभार, भंडारण, एक क्विंटल गेहूं की आर्थिक लागत, बिक्री से प्राप्ति के बाद तथा उपभोक्ता को खाद्य सब्सिडी। भारतीय खाद्य निगम की आदर्श खाद्य क्षमता की लागत लेखा परीक्षा के बाद औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम का कार्य संचालन निजी क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक किफायती तथा कम लागत वाला है। भारतीय खाद्य निगम के अधिप्राप्ति से वितरण तक के कार्य संचालन का नियंत्रण कई कार्यालयों द्वारा किया जाता है। 5 आंचलिक, 19 क्षेत्रीय, 12 उपक्षेत्रीय, 3 बंदरगाह कार्यों के लिए तथा 171 जिला कार्यालय। इसने भारत को अकाल की स्थिति से आधिक्य की ओर जाने में सहायता की है। अनाज के निवल आयातकर्ता से एक निर्यातक के रूप में किसानों को मुक्त करना, उपभोक्ता को संरक्षण, 2,65,000 व्यक्तियों की ऊर्जा तथा उत्पादकता को चैनलाइज करना, भारतीय खाद्य निगम की आदर्श खाद्य क्षमता बिल्कुल भारत की सर्वश्रेष्ठ सफल कहानियों में से एक।